जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल अनायस ऑनलाइन हब में। इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं अनायस डीएलएडी से संबंधित दो महत्वपूर्ण अपडेट, और लगातार दोस्तों आप लोगों को कमेंट आ रहा है कि सर एनसी से संबंधित कुछ अपडेट है तो दिया कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों एनसी से संबंधित दो बड़ी अपडेट है जो कि आपके साथ मैं साझा करने वाला हूँ। जो भी कैंडिडेट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि एनसी से संबंधित जो भी अपडेट आए मैं आपके साथ साझा कर पाऊँ। और दोस्तों आप लोगों के लिए जो है एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया गया है ताकि कोई भी अपडेट आए आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, फटाफट आप लोग लिंक से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों अगर एक मंच पे होंगे तभी हम लोग एनसी पर हम लोग यहाँ पर लड़ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो कि एनसी पोर्टल खोलने की मांग जो है की जा रही है। देख लीजिए यहाँ पर ये जो है रांची से अपडेट निकल के आ रही है कि एकीकृत पारा शिक्षक संघ मोर्चा का शीर्ष मंडल राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी से मिला। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए यहाँ से जो है मेन मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर डीएलएडी कर रहे पारा शिक्षकों के साथ जिनके अंतिम परिणाम एनसी अंकित होने के कारण नहीं जारी हो पा रहे हैं उनके लिए एनआईसी का पोर्टल खोलने तथा अंतिम परिणाम का रास्ता निकालने को लेकर एनआईएस के निदेशक के साथ जो है मीटिंग करने का निर्देश एसपीडी ने जयंत कुमार मिश्रा को दिया। राज्य परियोजना निदेशक ने बताया कि उक्त निवाली को कैबिनेट से पारित करने का निर्देश 20 को ही था, पुनः 23 को हुआ, अब 27 और 28 दिसंबर के लिए सूचना शीर्ष मंडल में ये मौजूद थे। अगर दोस्तों मैं इस पूरे अपडेट को पढ़ता हूं तो लिखा हुआ है कि एकीकृत पारा शिक्षक संघ मोर्चा का शीर्ष मंडल राज्य परियोजना शीर्ष मंडल किरण कुमारी पासी से मिला। मोर्चा की ओर से रखे गए बातों के क्रम में निम्नवत निर्णय निर्देश दिया गया। 14 दिसंबर को वार्ता का प्रोसीडिंग मोर्चा के शीर्ष मंडल को उपलब्ध कराने का निर्देश एसपीडी ने दिया। ममता इलिजावेद लकड़ा ऑफिस में नहीं थी, आते ही शीर्ष मंडल के सदस्य के व्हाट्सएप भेज दिया जाएगा। टेड विसंगति एक सप्ताह में दूर किया जाएगा। प्रभावित पारा शिक्षक अपने अपने प्रोफाइल को ईबीबी पर अपडेट कर ले। जयंत मिश्रा एवं प्रमोद सिन्हा को ईबीबी से डाटा लेकर संचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। और यहीं पर दोस्तों मेन मुद्दे को लिखा गया है कि डीएलएडी कर रहे पारा शिक्षक साथियों के जिनके अंतिम परिणाम अंशी अंकित होने के कारण नहीं जारी हो पा रहे थे उनके लिए एनआईएस का पोर्टल खोलने अथवा अंतिम परिणाम का रास्ता निकालने को लेकर एनआईएस के निदेशक के साथ, यानी दोस्तों अगर एनसी का पोर्टल खोल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो एनआईएस अभ्यर्थी हैं पूरे देश के अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 1.8 यानी 2 लाख के समथिंग है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों देख लीजिए ये जो है मैं आपके साथ जो है साझा कर रहा हूं। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दिल्ली से क्या कुछ अपडेट आ रहा है दोस्तों मैं आपके साथ जो है साझा करने वाला हूं। तो दोस्तों देख लीजिए ये दिल्ली के द्वारा जो है अपडेट निकल के आ रही है दिल्ली से। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जंतर मंतर में 13 जनवरी 2022 को धरना इसी के संबंध में कहा गया था, लेकिन उसे जो है पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। उसी के संबंध में दोस्तों यहां पर देख लीजिए दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है एक लेटर जारी किया गया है जो कि इंजीनियर देवाशीष होता को ये जो है लिखा गया है। देख लीजिए यहां पर सब्जेक्ट में लिखा गया है कि रिगार्डिंग धरना जंतर मंतर एट न्यू दिल्ली 13-1 रिजेक्शन देयर टू प्लीज रिफर टू ए लेटर 3 दिसंबर 2021 ऑन सब्जेक्ट सिटीज अबव। आगे इसमें लिखा है कि इन दिस रिगार्ड इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट धरना एट जंतर मंतर न्यू दिल्ली ऑन 23 जनवरी 2022 इट इज नॉट अलाउ इन द ऑर्डर गाइडलाइंस इशू बाय दिल्ली जो है। देख लीजिए यहाँ पर दिल्ली के द्वारा जो है गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वाइड नंबर इतना दिया गया, डेट 28/12/2021 इन गैदरिंग एंड कनग्रेंशन सोशल कल्चर एकेडमिक इंटरमीडिएट रिलीजेशन पॉलिटिकल फेस्टिवल रिलेटेड इसी आर प्रिहेबिट टिल फर्दर ऑर्डर थ्रू एनसीटी
ऑफ दिल्ली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक डिजीजेज नेमली कोविड 19, यानी कोविड 19 को मद्देनजर दोस्तों यहां पर जो है जो धरना प्रदर्शन था 13 तारीख को वो जो है उसे पोस्टपोन्ड किया गया है। और यहां पर दोस्तों देख लीजिए यहां पर क्या कुछ अपडेट जो है जो 13 तारीख को होने वाली थी अब जो है कब होगा इसका, तो यहां पर दोस्तों देख लीजिए ये देवाहाशीष होता के द्वारा जो है अपडेट दिया गया है कि हमने 13 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाले दिल्ली आंदोलन को स्थगित किया है। दिल्ली पुलिस के DCP के पत्र को सम्मान देते हुए आशा के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय केंद्रीय कैबिनेट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑल ओवर इंडिया 1.8 लाख इन सर्विस टीचर एनसी टैग तुरंत हटा देंगे, अन्यथा हम 21 फरवरी 2022 को सोमवार को पार्लियामेंट का घेराव के लिए मुकाबला करेंगे। हम दिल्ली पुलिस के पत्र का सम्मान करते हैं। 22 जनवरी 2019 को दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित किया। यहां पर दोस्तों 22 जो है जनवरी नहीं होगा, यहां पर जो है होगा 13 जनवरी 2022 को जो है विरोध प्रदर्शन जो है स्थगित किया गया है। कारण दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया कोविड के चलते। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पूरे भारत के 3,70,000 शिक्षकों का एनसी टैग जल्द हटाएंगे, अन्यथा 19 फरवरी सोमवार को संसद का घेराव करने के लिए जो है विवाद होंगे। तो ये दोस्तों देख सकते हैं ये जो है लेटर है जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है आया हुआ है, और इसमें ही बातें कहा गया है कि जो जंतर मंतर में जो आयोजन था उसे जो है फिलहाल के लिए जो है रिजेक्ट किया गया है। और जैसे ही दोस्तों कुछ अपडेट आता है एनसी से संबंधित आप लोगों को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो अपडेट निकल के आ रही है झारखंड से एक बहुत बड़ी राहत भरी खुशखबरी मिल सकती है उन कैंडिडेट को जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान थे और पोर्टल खोलने की बात आ रही है। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों आगे की क्या कुछ अपडेट आता है। हर एक अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है उस पर भी आप जुड़े और हमें जो है अधिक से अधिक जो है संख्या बलों में दिखाना है दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग एक संख्या बलों पर रहेंगे तो सरकार को जो है विवश होना पड़ेगा एनसी टैग रिमूव हटाने को लेकर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही अपडेट, आगे की जो भी अपडेट आएगा इसी चैनल पर आप लोगों को दिया जाएगा। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। प्रेस द बेल आइकन ऑन।